अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्क्वायर एडिट्स। दोस्तों मेरा नाम अमजद स्क्वायर है। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि केजीएफ फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस तरह की केजीएफ फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। इसके जो भी बैकग्राउंड या पिक्चर या पीएनजी में जो करूँगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जिस ऐप पर एडिटिंग करूंगा उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको पिक्सार्ट को ओपन करना होगा। पिक्सार्ट को ओपन करते इस तरह का पेज आएगा। उसके बाद आपको यहाँ प्लस के आइकन पर टैप करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड चूज करना होगा। बैकग्राउंड यहाँ से ले लेता हूँ। ये वाला बैकग्राउंड है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना होगा ऐड फोटोज में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको एक पिक्चर चाहिए होगी। ये देखिए आपको पिक्चर दिख रही है, उसका बैकग्राउंड रिमूव होना चाहिए। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वीडियो देख लें। इस तरह आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना होगा। उसके बाद इस तरह आपने अच्छी तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से डन कर दें, फिर ऐड फोटो में जाएं। ऐड फोटो में जाने के बाद फिर यहाँ से आपने एक सिगरेट का पीएनजी ले लेना होगा। ये देखिए इस तरह पीएनजी ले लें। उसके बाद इसको हम यहाँ से अच्छी तरह से इस तरह एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर उस आपको बड़ा इरेज मिल रहा होगा। उसके बाद यहाँ इरेज पे क्लिक करने के बाद इरेज हम इसको इरेज थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। उसके बाद डन कर दें। फिर ऐड फोटो में जाएं। आपको ऐड फोटो में दोबारा बार बार ऐड फोटो में ही जाना होगा। उसके बाद ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से एक आपको स्मोक पीएनजी मिलेगा, उसको आपने ऐड कर लेना। इस तरह ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐड कर देना इस तरह से। ये लग गया, उसके बाद यहाँ से डन कर देते हैं। ये लग गया, उसके बाद ऐड फोटो पे जाएं। फिर ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से आपको लेके आना होगा एक और स्मोक पीएनजी। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। इसको हम यहाँ पे रखेंगे आपके मुंह और नाक से, जैसे हम सिगरेट पीते हुए आपके मुंह से और नाक से धुआं निकल रहा है। ये देख हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी हल्की कर देते हैं। ये देखिए इस तरह टर्न कर दें। उसके बाद फिर ऐड फोटो में जाएं। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से आपको एक पीएनजी ले लेना है, लाइट इफेक्ट का, लाइट पीएनजी। मैं ले लेता हूँ यहाँ से लाइट पीएनजी। ये देखिए मैं लाइट तक पीएनजी ले। उसके बाद आपको यहाँ मिल रहा होगा ब्लेंड, ब्लेंड में यहाँ स्क्रीन कर लें। ये देखिए आ गया। उसके बाद इसको इस तरह बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इस तरह। ऊपर आपको दो डब्बे मिल रहे हैं, इसके करने के बाद यहाँ पे आपको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद इसको यहाँ से इस तरह एडजस्ट कर लेना होगा। इसका भी डुप्लीकेट ले लेना है। डुप्लीकेट ले लेने के बाद एक और डुप्लीकेट हो गया, उसको यहाँ पे एडजस्ट कर दें। एक और डुप्लीकेट ले लें।
उसको यहाँ एडजस्ट कर दें, ये देखकर एडजस्ट हो गया। उसके बाद डन कर दें। डन करने के बाद फिर एड फोटो में जाएं। एड फोटो में जाने के बाद यहाँ से आपको लेके आना होगा, ये देख के आपको मिल रहा होगा KGF टेक्स्ट, इसको ऐड कर लेना। उसके बाद एक और आपको मिल रहा होगा, ये दो आपको हमने ले लेने। इसके बाद इनको यहाँ से अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना, ये देखिए यहाँ पर एडजस्ट कर लेना। इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, इसको भी अच्छी तरह से यहाँ से इस तरह एडजस्ट कर। उसके बाद डन कर दे। डन करने के बाद फिर एड फोटो में जाएंगे। एड फोटो में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, ये देखें ये वाला, इसको हम इस तरह एडजस्ट कर देते हैं। ये देखें इस तरह एडजस्ट करने के बाद आप अपने मुंह पे आ रहे इरेज वाले टूल पे जाने के बाद इस इरेज को सेलेक्ट करने के बाद ओपेसिटी को फुल कर दें। उसके बाद साइज अपने मुताबिक रखने के बाद हम यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। आपने भी इसी तरह इसको भी यहाँ से इरेज कर देना है। देखिए ये हो गया। उसके बाद डन कर दें। डन करने के बाद फिर डन कर दें। उसके बाद एड फोटो में जाएंगे। यहाँ से एड फोटो में जाने के बाद यहाँ से आपको एक और PNG लेके आना है, ये वाला PNG वाला PNG लेने आने के बाद इस तरह आपने यहाँ से इसकी ओपेसिटी तो यहाँ रख लेनी है 90 पे। देखिए यहाँ पे अच्छा लग रहा है। उसके बाद डन कर। डन करने के बाद फिर एड फोटो में जाएंगे। एड फोटो में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक गन का PNG लेके आना होगा। ये देखिए ये गन PNG, इसको लेके आना होगा, इस तरह बड़ा कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह आपको एडजस्ट कर देना होगा, ये देखिए इस तरह, ये देखिए हो गया। उसके बाद ये भी फार है बैकग्राउंड, ये देखिए आफ्टर, इसी तरह कर लेना होगा, ये देखें। उसके बाद हम कोई और देखते हैं, कोई और PNG है तो हम लगा लेते हैं। और कोई PNG नहीं, ये देखें हमारी पिक्चर बहुत अच्छी तरह से एडिटिंग हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें यार, वीडियो को लाइक कर दें। अगर बहुत मुश्किल से हम वीडियो बनाते हैं, आप लाइक भी नहीं करते यार, लाइक कर दिया करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।